Dear students, welcome to Director School Education Jammu's radio classes. Myself is Sukhdev Master from District Kathua. आशा करता हूँ आप सब बच्चे अपने अपने घरों में इस पैंडेमिक में सुरक्षित होंगे. बच्चों, आज के जो 8th क्लास के मैथ्स का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टॉपिक आर टू मेक द स्टूडेंट्स फैमिलियर विद द प्रैक्टिकल वर्क इन मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली इन ज्योमेट्री. मेरा कहने का भाव ये बच्चों कि इस टॉपिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आप सब बच्चों को मैथ्स में प्रैक्टिकल वर्क के बारे में जानकारी देना, पर्टिकुलरली ज्योमेट्री में. हम आज का टॉपिक करने से पहले आपने जो पिछले चैप्टर में पढ़ रखा था क्वाड्रिलेटरल और उसके टाइप्स, उनके बारे में डिस्कस करें. बच्चों, लास्ट टॉपिक में आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल की कुछ मेन टाइप्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में. तो फर्स्ट वन जो क्वाड्रिलेटरल आपको बताया था वो पैरेललोग्राम के बारे में कहा था. किस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं? ए क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, मीन वो वाला क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं. पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज हैं. पहला प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. पर किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. पैरेलल तो हैं ही पहले से, लेकिन इक्वल भी होते हैं. अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. कोई भी पैरेललोग्राम होगा उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम में जो डायगनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो बच्चों, अब हम अगली क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें. उसका नाम है रॉम्बस. किसको रॉम्बस कहते हैं? अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. वो पैरेललोग्राम जिसमें साइड्स इक्वल लेंथ के हों, उस पैरेललोग्राम को हम रॉम्बस कहते हैं. जैसे आपने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज पढ़े, इसी ढंग से रॉम्बस के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ऑल द साइड्स ऑफ ए रॉम्बस आर इक्वल. कोई भी रॉम्बस होगा उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रॉम्बस के जो डायगनल हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर. आई मीन टू से डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. नाउ द नेक्स्ट वन क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल. अगला क्वाड्रिलेटरल जो है बच्चों वो रेक्टेंगल है. भाई, किसको रेक्टेंगल कहते हैं? कौन क्वाड्रिलेटरल जो रेक्टेंगल है? ए पैरेललोग्राम विद ए राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल. वो पैरेललोग्राम जिसमें एक भी एंगल 90 का हो जाए तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाती है. जैसे आपने पहले तो क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज करे हैं,
इसी ढंग से हम रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। पहला प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल का है वो ये है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। सेकंड वन प्रॉपर्टी इज, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। थर्ड वन प्रॉपर्टी, डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल में डायगनल्स इक्वल होते हैं। आओ बच्चों, नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है स्क्वायर। किसको स्क्वायर कहते हैं? ए रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड ए स्क्वायर। जिस रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं उस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ द मेजर 90 डिग्री। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। थर्ड वन प्रॉपर्टी, डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के डायगनल इक्वल होते हैं। और फोर्थ वन प्रॉपर्टी, डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आई मीन टू से ए स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रॉम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल। बच्चों, जो स्क्वायर है उसके पास सारे प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम के भी होते हैं, रॉम्बस के भी होते हैं और रेक्टेंगल के भी होते हैं। नो लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज़ कॉल्ड काइट। काइट जो है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। ये क्या होती है काइट? KITE काइट। ये क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्टिव साइड्स इज कॉल्ड काइट। वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें कंसेक्टिव साइड्स के पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं उस क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी, द डायगनल्स ऑफ ए काइट आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। काइट के जो डायगनल हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, रॉम्बस की तरह, स्क्वायर की तरह। वन ऑफ द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक डायगनल दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है और अपोजिट एंगल्स का मेजर इक्वल होता है। तो ये था बच्चों सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि ज्योमेट्री में प्रैक्टिकल वर्क करने से पहले इन क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप लोग ज्योमेट्री में प्रैक्टिकल वर्क करना बड़ा मुश्किल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट ए रेक्टेंगल। आओ हम रेक्टेंगल की क्रिएशन के बारे में बात करें। रेक्टेंगल की क्रिएशन हम कैसे करते हैं? देखो बच्चों, आप घर में भी टू पेयर ऑफ स्टिक्स ले लीजिए। एक पेयर ले लीजिए सपोज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और दूसरा पेयर ले लीजिए सपोज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उनको हिंज करिए, जोड़िए, इस ढंग से जोड़िए
ताकि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बने। वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे और हम उसको रेक्टेंगल कहेंगे। देखो बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप घर में भी इसको बना सकते हैं। ये आपका रेक्टेंगल क्रिएट करने का प्रैक्टिकल वर्क है। जब हम इसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा पुश करते हैं इसकी ब्रेथ के अलांग, तो ये पैरेललोग्राम बन जाती है। इट मीन्स जस्ट पुश अलांग द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल देन वी विल गेट अ पैरेललोग्राम। एंड इफ वी पुश अनदर डायरेक्शन अनदर साइड ऑफ द ब्रेथ देन अगेन वी विल गेट अ पैरेललोग्राम। अगर हम उस रेक्टेंगल को ब्रेथ की दूसरी साइड पर पुश करते हैं तो हमें फिर से पैरेललोग्राम बन जाती है। इसका मतलब जो हो गया कि फोर मेजरमेंट्स के साथ हम क्वाड्रिलेटरल तो बना सकते हैं लेकिन उसकी यूनिकनेस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट मीन्स दिस शोज दैट फोर मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट डिटरमाइन इट्स यूनिकली। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस द फिफ्थ स्टिक। आओ बच्चों अब हम पांचवी स्टिक का इस्तेमाल करें, उसको इंट्रोड्यूस करें। अगर हम पांचवी स्टिक को बीच में जोड़ देते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनती है। उसका लेंथ और ब्रेथ जो है वो फिक्स रहता है। दैट इज इफ वी इंट्रोड्यूस फिफ्थ स्टिक वी विल ऑब्जर्व दैट फाइव मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। अगर हम पांचवी स्टिक को इंट्रोड्यूस करके क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, उसमें हम इसको फिर चेंज नहीं कर सकते। तो ये था बच्चों आपका छोटा सा प्रैक्टिकल वर्क कि स्टिक्स को यूज़ करके, टू पेयर ऑफ स्टिक्स को यूज़ करके आपने क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाना है। तो आपने देखा कि जब आपने टू पेयर ऑफ स्टिक्स को यूज़ किया, उसको हिंज किया, हिंज करके उसको जोड़ करके हमने पहले रेक्टेंगल बनाया, जब उसको ब्रेथ के लांग थोड़ा पुश किया तो वो पैरेललोग्राम बन गया। अब जब आपने उसी रेक्टेंगल को ब्रेथ के दूसरी साइड पे थोड़ा सा पुश किया तो फिर भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। इट मीन्स चार मेजरमेंट्स के साथ जो क्वाड्रिलेटरल है वो यूनिक नहीं रहती। लेकिन जैसे ही हमने फिफ्थ स्टिक को यूज़ किया तो फिर हम उसको पुश करके दूसरी साइड ब्रेथ की दूसरी साइड में पुश करके हम पैरेललोग्राम नहीं बना सकते थे। हमारे पास एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इसका मतलब जो हो गया कि फाइव मेजरमेंट्स पांच मेजरमेंट के साथ जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो यूनिक होती है। तो बच्चों इस टॉपिक में आपने पढ़ना है कि हाउ टू क्रिएट क्वाड्रिलेटरल्स विद डिफरेंट मेजरमेंट्स, जहाँ क्रिएशन ऑफ यूनिक क्वाड्रिलेटरल विद डिफरेंट मेजरमेंट्स वो कौन कौन से हो सकते हैं। When four sides and one diagonal are given, अगर आपके पास चार sides हैं एक diagonal दे रखा है तो हम unique quadrilateral को
कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेकंड वन, व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन, तब भी हम यूनिक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इट मींस जब किसी क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स दे रखे हों, उसके तीन साइड्स दे रखे हों, तब भी हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ये तो दो टाइप। तीसरा, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर गिवन, देन वी कैन आल्सो कंस्ट्रक्ट ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल। आई मीन टू से, जब दो एडजेसेंट साइड्स दे रखे हों और तीन एंगल्स दे रखे हों, तब भी हम यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। और फोर्थ वन जो है, व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, देन वी कैन आल्सो कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल। आई मीन टू से, जब किसी क्वाड्रिलेटरल में तीन साइड्स दे रखे हैं, दो इंक्लूडेड एंगल्स भी दे रखे हैं, तब भी हम यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। इसके साथ कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उनके साथ भी हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो बच्चों, आओ हम एक सिंपल सा एग्जांपल करें, जिसके आधार पर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। पहली टाइप जो है, जो अभी भी आपको मैंने बताई है कि भाई क्रिएशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कि यूनिक क्वाड्रिलेटरल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट वन मेथड मैंने जो आपका बताया वो है, व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल आर गिवन। तो आओ हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 61 पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, सब बच्चे उसको देखिए। इसने एग्जांपल में लिखा है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। बिसाइड्स पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी एस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आओ बच्चों, इस चार साइड्स और एक डायगोनल की मेजरमेंट के साथ हम कैसे क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे इसका जो पहला स्टेप है वो आपके पास है। सबसे पहले आपने रफ स्केच फार्म करना, जैसे आप सेवन्थ क्लास में करते थे। रफ स्केच फार्म करेंगे तो उसमें से ट्रायंगल पी क्यू आर के बारे में पता चलेगा। तो इस फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपने ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले हम पी आर जो डायगोनल दे रखा था उसको ड्रा करेंगे, फिर हम पी पर अपनी कंपास रख के साइड पी क्यू मीन 4 सेंटीमीटर खोलकर एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से आर पर कंपास रखेंगे विद आर एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ड्रा अनदर आर्क। आई मीन टू से, आर पर कंपास रखेंगे और क्यू आर के बराबर उसको ओपन करके एक आर्क लगाएंगे। जो आपके पहले आर को कट करेगा पॉइंट के ऊपर, तो ये जो, फिर आपने क्या करना है, पी के ओ को ज्वाइन करना है, क्यू आर को ज्वाइन करना है, तो आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर बन जाएगा। जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल में दर्शाया गया है, इसी ढंग से आपने करना है। तो मेरे बच्चों, ये पॉइंट पी और क्यू, पॉइंट क्यू जो है पी से कितनी दूर है? इट इज़ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पी।
पॉइंट क्यू जो है आर से कितना दूर है, इट इज़ 5 सेंटीमीटर फ्राम द पॉइंट आर। अब सेकंड स्टेप आए, फर्स्ट स्टेप में आपने सीख लिया होगा कि सबसे पहले आपने रफ स्केच ड्रा करना है। रफ स्केच ड्रा हो गया तो फिर पी क्यू आर ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। वो कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है कि पहले डायगनल पी आर ड्रा करना है, फिर देखना है कि पॉइंट क्यू जो है पी से कितनी दूर है, उसके बराबर कंपास खोलकर पॉइंट पी पर रखकर आपने एक आर्क लगानी है। इस तरह से पॉइंट क्यू जो है वो आर से कितनी दूर है, वो 5 सेंटीमीटर है। आर पर कंपास रख के 5 सेंटीमीटर कंपास खोलकर आपने एक और आर्क लगानी है, जो पहली आर्क को पॉइंट क्यू पे कट करेगी। इट मीन्स पॉइंट क्यू जो है इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट आर। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल बाय कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल। आओ बच्चों हम सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल के 3 पॉइंट तो हो गए पी क्यू आर। अब आपको इसका चौथा पॉइंट एस ढूंढना है। ये पॉइंट एस जो है इट इज 5.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पी। ये पॉइंट चौथा पॉइंट जो है क्वाड्रिलेटरल का जो ऐसा आपने ढूंढना है, ये पॉइंट पी से 5.5 सेंटीमीटर दूर है। आप इसको कैसे लोकेट करना है, विद पी एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। आपने एक आर्क ड्रा करना है। इस तरह से पॉइंट एस जो है वो आर से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो अब हम क्या करेंगे, विद आर एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ड्रा अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द फॉर्मर आर्क एट पॉइंट एस। आई मीन टू से पी पर कंपास रखना है, 5.5 सेंटीमीटर खोलकर एक आर्क लगाना है क्यू के अपोजिट। इस तरह से आपने आर पर कंपास रखना है, 5 सेंटीमीटर कंपास खोलकर एक आर्क लगाना है, जो पहले आर्क को एक पॉइंट पे कट करेगा और उस पॉइंट का नाम होगा एस। ये पॉइंट एस जो होगा इट इज जस्ट अपोजिट टू पॉइंट क्यू। ये जो आपका पॉइंट एस बनेगा पॉइंट क्यू के अपोजिट होगा। अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल का चौथा पॉइंट भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी जॉइन पी एस एंड आर एस। अब हम क्या करेंगे, पी और एस को जॉइन करेंगे, क्यू और एस को जॉइन करेंगे। इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा पी क्यू आर एस विद द गिवन मेजरमेंट ऑफ द साइड्स पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर एंड पी एस 5.5 सेंटीमीटर विद डायगनल पी आर 7 सेंटीमीटर। तो ये थे बच्चों आपके क्वाड्रिलेटरल के फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के मेन स्टेप। हम इसको फिर से रिपीट करते हैं कि देखो बच्चों, जब भी कोई आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं,
उस क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। जब आपने उस क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच ड्रॉ कर लिया तो उसमें सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनाना है, जैसे आपने सेवन्थ क्लास में बनाते हो और जहाँ भी आपने बनाया है। पहले आपने डायगनल पी आर ड्रा किया, फिर देखा कि पॉइंट क्यू जो है वो पी से कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर था, तो आपने पी पर कंपास रखा। पी क्यू के बराबर कंपास खोलकर आपने एक आर्क लगाया। फिर आपने देखा कि पॉइंट आर जो क्यू जो है वो आर से कितना दूर है, तो आपने देखा वो 5 सेंटीमीटर था। आपने पॉइंट आर पर कंपास रखा और एक आर्क लगाया जिसने पहले आर्क को पॉइंट के ऊपर कट किया। तो आपके पास जब पॉइंट क्यू मिल गया, आपने पी क्यू को और क्यू आर को जॉइन करके ट्रायंगल बना लिया। तो सबसे पहले स्टेप में रफ फिगर या रफ स्केच ड्रा करके ट्रायंगल बनाते हैं। फिर सेकंड स्टेप में आपने चौथा पॉइंट कैसे लोकेट करना है, वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा क्यू के अपोजिट। आप चौथा पॉइंट जो है गिवन मेजरमेंट से आपको पता चलेगा कि वो पी से कितनी दूर है। पी से बच्चों है वो 5.5 सेंटीमीटर दूर और आर से कितनी दूर है, आर से वो है 5 सेंटीमीटर दूर। अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमने पहले पी पॉइंट पर कंपास रखा और एक आर्क लगाया। कितना आर्क लगाया, 5.5 सेंटीमीटर कंपास खोलकर आर्क लगाया। फिर आपने कंपास रखा आर पर और कितना ओपन किया, 5 सेंटीमीटर। एक और आर्क लगाया तो ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर कट करे वो आपका पॉइंट एस आ गया। अब इन क्यू और एस ये पी आर के अपोजिट थे। जब आपके पास चौथा पॉइंट लोकेट हो गया तो लास्ट स्टेप में आपने क्या किया, पी और एस को ज्वाइन कर लिया, आर और एस को ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया जिसका नाम था पी क्यू आर एस। इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स दे रखे थे और एक डायगनल दे रखा था। इस तरह से मेरे बच्चों आपका पेज नंबर 63 में एक्सरसाइज 4.1 है। इस एक्सरसाइज में आपको विषम्स मिलेंगे जिनमें 4 साइड्स और एक डायगनल दे रखा होगा, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना, क्वाड्रिलेटरल जंप JUMP कंस्ट्रक्ट करना। तो आप इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को अपने घर में खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसी तरह से बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल्स विद 2 डायगनल्स एंड 3 साइड्स बना सकते हैं। वो क्वाड्रिलेटरल जिनमें 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स दे रखे हैं वो भी खुद बना सकते हैं। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल दे रखे हों उसको भी हम बना सकते हैं। फिर कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ भी क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे बच्चों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और खुद भी आप घर बैठ के इस प्रैक्टिकल वर्क का मज़ा ले सकते हैं। आप ट्राई करिए, आप सिंपल सिंपल एग्जांपल ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल वर्क ज्योमेट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सब बच्चों को अपनी अपनी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।